अच्छा फील हो रहा है, बहुत मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इंशाल्लाह बहुत मेहनत की है इस पे और आगे भी आप लोग अच्छा गेम प्ले देखने को मिलेगा। आप बताएं। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, नर्वसनेस अभी भी है लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों का फाइनल्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो क्या टीम स्ट्रैटेजी थी, गेम प्ले था, क्या चेंज हुआ है, क्या हुआ है? अभी हम लोग फिलहाल कंसिस्टेंट खेलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फाइनल में जो टीम कंसिस्टेंट होती है वही जीतती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो यू टेल मी, क्या लग रहा है फाइनल्स जीत पाएंगे? उम्मीद तो यही है, बाकी देखते हैं, अभी चार मैचेस बाकी हैं, अभी कंफर्म नहीं कहते, उम्मीद है इंशाल्लाह अपना बेस्ट देंगे। काफी गहरी जिम्मेदारी आ चुकी है टीम के। ओह माय गॉड, शोवाल की जानिब से केटीके को डाउन, लेकिन यहाँ पे शॉट, यहाँ पे एक ऑफ्रे को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया है क्रिटी के, लेकिन एक ऑफ्रे भी यहाँ पे डाउन हो चुका है और देखते हैं के हाउस ऑफ ब्लड के सिर्फ गन शॉट ही रह चुके हैं और सामने की तरफ से हाउस ऑफ ब्लड है वो हमारी तो एक और टीम इजी भी नहीं रहे हमारे दरमियान जा चुके हैं। मेक्यू क्राइक यहाँ पे सेमी में डाउन, यहाँ पे कंप्लीट और भुया बिल्कुल डीमन स्प्राइट का क्या ही बात है। और देखते हैं मैच जोर की जारी चलते हैं, हेडशॉट के बादशाह और यहाँ पर पूरा करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन पीछे की तरफ से हिस्सा डाल दिया है स्पाइवेयर की तरफ से, डब्ल्यू जी गाजी एलिमिनेट हो चुकी है करते हुए, खेल पूरा कर लिया गया है। रोमन और टाइटन वो ही बंदे बचे हैं। सल्लू बहुत ही छोटा जोन है, 8 टीम्स अभी तक अलाइव है, क्या मुमकिन हो पाएगा? ओह माय गॉड, 17 ईगल जो कि हमारी ईगल गैंग है वो एक और प्लेयर भी डाउन हो चुके हैं। पुया अपने नाम करेगी और तगड़ा कमबैक करेंगे बिल्कुल पुया। हमारे टॉप टीम है वो है डीमन स्प्राइट, तो चले आए इनसे थोड़ी बात करते हैं। सो आप लोगों की जो परफॉर्मेंस थी बहुत अनएक्सपेक्टेड और अच्छी रही है, तो क्या चेंज किया है और क्या डिफरेंस लाए हैं जिस वजह से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस? बस हमने अपनी टीम वर्क पर पूरा फोकस किया है जिसकी वजह से हमारी एक अच्छी गेम आप लोगों के सामने नजर आ रही है। As we all know, आप लोग तो लीड कर रहे हैं बट जो दूसरी टीम है वो भी मतलब आप लोग के लेवल पे ही है ऑलमोस्ट, तो आपको क्या लगता है वो लोग आपको कोई टफ टाइम दे पाएंगे या क्या क्या लग रहा है? जीतने की तो हम पूरी कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे जो जो पाकिस्तान की बेस्ट टीम बैठी है पाकिस्तान की, तो अभी कुछ पता नहीं चलता, अभी भी बाकी 2 गेम्स हैं, कुछ भी हो सकता है। 2 मैचेस बचे हैं, कोई न्यू सब्स्टिट्यूट या वही स्ट्रेटजी? सेम टीम सेम स्ट्रेटजी सेम स्ट्रेटजी। इतने लोग आपको देख रहे हैं अभी, आपके लिए रूटिंग कर रहे हैं, तो एनी मैसेज फॉर योर फैंस? बस इंशाल्लाह ट्रॉफी पेशावर ही जाएगी इंशाल्लाह। मैच 5 की तरफ चलते हैं, मैच 5 आपके सामने, स्ट्रॉन्ग उनके हाथ में नहीं हो बिल्कुल, यहाँ पर रश कर चुके हैं टीम रिवेंजर्स, अभी तक एक बंदा डाउन कर दिया गया है डब्ल्यू जी गाजी के, जीनियस ही बचे कवर बचने में नाकाम रहे और डब्ल्यू जी के बैट जालिम जो है यहाँ से निकलने में कामयाब रहे, बासी की जानिब से क्या सपोर्ट करते हैं टीम को, डाउन हो चुके हैं, बहुत तगड़ा यहाँ पर पावर अटैक करते हुए इब्रार को भी डॉग काफी लो कर दिया गया था, लेकिन अच्छा जवाब सामने की जानिब से, रोमन भी डाउन, आज एक प्लेयर को डाउन कर दिया कंप्लीट करने की कोशिश, हम जाएंगे साथ साथ आपको भी लेकर जाएंगे ऐसा ही। और यहाँ पर टीम टीजी के 3 ही बंदे बचे हैं और सामने की तरफ आउटशॉट के 2 बंदे, नीचे की तरफ आरबीजी समी अकेले, समी पे भारी जिम्मेदारी क्योंकि सामने भारी टीम मौजूद है, शवाल को हेडशॉट लग चुका है लेकिन डाउन नहीं कर पाए, शवाल यहाँ पर रह चुके हैं डाउन और पूरा कर दिया जाएगा मेरा ख्याल है क्योंकि शार की डबल वेक्टर यूज करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, शार की डबल वेक्टर के साथ साथ दूसरी बाहर आ चुके कंप्लीट करने की कोशिश बिल्कुल और खुद भी डाउन हो चुके हैं, दूसरे रिवेंजर्स भी नहीं रहे हमारे दरमियान जा चुके हैं, 10 किल के साथ टीम डीजी और हॉट शॉट भी एलिमिनेट हो चुकी है, भूया हो चुका, इतनी करीब आ चुके हैं कि अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें कौन चैंपियन बनता नजर आएगा और यही जो है वो इस गेम की खासियत है, कितना इंटरेस्टिंग हो जाए, अब हमें भी बेसब्री से इंतजार है कि हमें भी जल्दी पता लगे कि कौन सी टीम चैंपियन बनेगी और मैच 6 में हम देखेंगे कौन सी टीम, देखिए फाइनल मैच की तरफ चलते हैं। पे कंप्लीट कर लिया अपने नाम कर लिया हाउस ऑफ ब्लड, मुश्किलात का शिकार हो सकती है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे साथ गनशॉट भी डाउन हो चुके हैं, डैनी रह चुके हैं कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी और बिल्कुल यहाँ पे डैनी ने अकेले अब रह चुके हैं, भारी जिम्मेदारी 2 बंदे डाउन कर दिया, फबादा अकेले रह चुका यहाँ पे लेने की कोशिश की जाएगी,
डबल वेक्टर हुआ सीन की जानिब से लेने की कोशिश। यस प्ले जीनियस की जानिब से डब्ल्यू जी गाजी भुजा के बहुत करीब सवाल भी डाउन हो चुके हैं डब्ल्यू जी गाजी और यहाँ पे पूजा हो सकता है काफी मुश्किल हो चुकी है। आसू की तरफ ब्लू वॉल का अच्छा इस्तेमाल डब्ल्यू जी गाजी के प्लेयर और पूजा हो चुका है डब्ल्यू जी गाजी। रेंजर्स और डेमन स्प्राइड एक साथ एलिमिनेट हुए लेकिन हमें भी नहीं पता आपको भी नहीं पता कि किल्स किसके पास ज्यादा थे कौन यहाँ पर टाइटल अपने नाम करेगा तो वो जो चीज है वो हमें वही चीज किल्स ही डिपेंड करता है। तो द विनर ऑफ FFPL सीजन 1 इज पीपीएल। Easy. Come on, guys. Come on. फ्री फायर पाकिस्तान लीग की तमाम वीडियोस और मजीद मालूमात तफसीलात के लिए फ्री फायर ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान फैन पेज को लाइक करें और फॉलो के आइकॉन को प्रेस करें।